नवंबर 2019 धरती से तकरीबन 29,000 प्रकाश वर्ष दूर दक्षिणी आकाश पर से आकाशगंगा के लगभग केंद्र की ओर ग्रस नामक नक्षत्र में खगोलविदों की एक टीम ने कुछ ऐसा देखा जो उनके होश उड़ा गया। ये घटना थी एक ए क्लास श्रेणी के मेन सीक्वेंस तारे का बेहद तेज रफ्तार पर से हमारी अपनी आकाशगंगा को पीछे छोड़ते हुए दिखाई पड़ना। इस बेहद दुर्लभ घटना को खगोल वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मौजूद 3.9 मीटर एंग्लो ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप में लगे साउदर्न स्टेलर स्ट्रीम स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गया सैटेलाइट की मदद के चलते रिकॉर्ड किया। ये तारा जाना जाता है S5-HV-S1 नाम से, जो वैज्ञानिकों के मुताबिक नवंबर 2019 तक अब तक डिटेक्ट किया गया सबसे तेज रफ्तार वाला एक हाइपर वेलोसिटी स्टार है। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स उन स्टार्स को कहा जाता है जिनकी गति आकाशगंगा में मौजूद आम तारों की तुलना में दोगुनी या उससे भी कहीं ज्यादा होती है। इतनी कि ये इस रफ्तार से आकाशगंगा के बेहद ताकतवर गुरुत्व बल को मात देकर उसकी पकड़ से छूट जाने तक की क्षमता को रखते हैं। आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में औसतन सभी तारों को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर से आकाशगंगा के इर्द गिर्द मंडराते हुए पाया गया है, लेकिन इसके उलट हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक औसतन मापी गई है। और खगोल वैज्ञानिकों की माने तो आमतौर पर इतनी ज्यादा गति से मंडराते तारे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर ही पाए जाते हैं और हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के ज्यादातर केसेस केंद्र की ओर ही दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले ऐसे तारों को लेकर भविष्यवाणी स्टेलर डायनेमिक्स में थ्योरिस्ट रहे जैक जी हिल्स ने साल 1988 में की थी और इनके असल होने की पुष्टि साल 2005 में वेरिन ब्राउन, मार्गरेट गेलर, स्कॉट कैनियन और माइकल क्रुज ने की थी। तब से 2008 और 2017 से लेकर 20 ऐसे अनबाउंडेड हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की पुष्टि की जा चुकी है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन 20 में से एक तारा ऐसा भी था जो खगोल वैज्ञानिकों की शुरुआती ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक लार्ज मैजेलनिक क्लाउड, जो हमारी गैलेक्सी की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है और हमसे तकरीबन 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, वहां से आया हुआ तारा था। लेकिन बाद में हुई इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशंस ने ये साफ कर दिया कि ये तारा मिल्की वे गैलेक्सी में ही जन्मा तारा था। ज्यादातर ऑब्जर्व किए गए ये हाइपर वेलोसिटी स्टार्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर ऑब्जर्व किए गए हैं और खगोल वैज्ञानिकों की माने तो मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 1000 के करीब ऐसे हाइपर वेलोसिटी स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। खैर, वापस से बात करें S5-HV-S1 नामक इस हाइपर वेलोसिटी स्टार की, तो खगोल वैज्ञानिकों ने इसे दक्षिणी आकाश की ओर तकरीबन 1755 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से आकाशगंगा के केंद्र को छोड़ते हुए डिटेक्ट किया है। ऑब्जर्वेशंस के जरिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तारा एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा रहा होगा और ये तारे केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के काफी करीब आ गए होंगे, जिसके कारण ग्रेविटेशनल टसल यानी गुरुत्वाकर्षण खींचतान यानी संघर्ष में ये तारा एक गुलेल की तरह ब्लैक होल द्वारा फेंक दिया गया होगा, जिसके चलते इसको ये रफ्तार मिली। और तो और, जब खगोल वैज्ञानिकों ने उस समय की गणना की जब ये तारा ब्लैक होल द्वारा एक गुलेल की तरह फेंक दिया गया होगा, तो पता चला कि ये समय था तकरीबन 4.8 मिलियन ईयर्स का, यानी तकरीबन 40,80,000 सालों का। ये धरती पर वो समय था जब मानव जात के सबसे शुरुआती पूर्वज चलना सीख रहे थे। डगलस बॉबर्ट, जो इस तारे की स्टडी में को ऑथर की भूमिका में थे और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि ये तारा जो 1755 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार लिए हुए है, इस रफ्तार से ये हमारी गैलेक्सी के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल को मात देकर आने वाले भविष्य में गैलेक्सी से बाहर निकल जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। वैसे इस दुर्लभ तारे की खोज का क्रेडिट सर्गी कोपसोव को जाता है, जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में भौतिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में कार्यरत हैं और साउदर्न स्टेलर स्ट्रीम स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे का हिस्सा भी हैं। आपको बता दें कि इस तेज रफ्तार हाइपर वेलोसिटी स्टार से पहले सबसे तेज हाइपर वेलोसिटी स्टार का रिकॉर्ड US-708 नाम के तारे के पास था। इसकी रफ्तार आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है और ये ओ क्लास श्रेणी का एक सब ड्वार्फ तारा है। तारों के इन विभिन्न प्रकार की श्रेणियों पर और अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वेल, तो ये थी पूरी जानकारी अब तक के खोज निकाले गए सबसे तेज हाइपर वेलोसिटी तारे के ऊपर, जो कि रिकॉर्ड तोड़ 1755 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से
आने वाले निकट भविष्य में हमें गुड बाय कहता हुआ आकाश गंगा से परे निकल जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को इस नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।